और स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन हुआ, मार्केट 83 लेकर गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए क्या हो रहा है एक्शन, कहां पर फोकस है आज? जी हाँ, तो अगर आज के दिन की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ज़बरदस्त रिजल्ट के साथ और इसके ऊपर बात करते हैं BASF की, क्योंकि अगर नंबर्स की बात करें हम कहीं पे तो रेवेन्यू जो है वो 18% से बढ़ा है सिक्वेंशियल लेवल पे। इसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी में हमें एक 36% का ग्रोथ देखने को मिला और उसके बाद हमने देखा शेयर में भी एक 20% का अपर सर्किट जो है वो आज के दिन में हिट हुआ है। अगली बात करते हैं वेंकीज़ की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू में हालांकि थोड़ी एक गिरावट देखने को मिली है, बट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे एक 4x ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। प्रॉफिट जो है वो अभी 75 करोड़ पे है। एबिटडा मार्जिन में भी 900 बिप्स का एक सुधार देखने को मिला और उसके बाद इस स्टॉक में भी एक अपर सर्किट जो है 20% का वो हिट करते हुए हमें देखने को मिला है। अगली बात करते हैं पीडीलाइट की, यहाँ पे भी एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। जो रेवेन्यू है वो 4% से ऊपर है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 20% का ग्रोथ देखने को मिला है और एबिटडा मार्जिन में भी हमें कहीं पे 200 बिप से भी ज़्यादा एक्सपांशन जो है वो देखने को मिला और शेयर के भाव में भी अगर हम बात करें तो कहीं पे एक पॉजिटिव मोमेंटम आज के देखने को मिला था। अगली बात करते हैं उनो मिंडा की, क्योंकि यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे 23% का ग्रोथ देखने को मिला था उनो मिंडा में। इसी के बाद एबिटडा मार्जिन जो है वो कहीं पे फ्लैट था, बट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे 15% का ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम उनो मिंडा की भी बात करें तो कहीं पे एक पॉजिटिव अपटिक जो है वो आज के दिन में देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं सांगवी मूवर्स की, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़े वीक नतीजे जो है हमें देखने को मिले थे इस क्वार्टर के लिए। रेवेन्यू जो है वो 3% से बढ़ा है, बट अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो वहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला था और इसी के बाद अगर हम एबिटडा मार्जिन की बात करें तो 1000 बिप्स का एक कंप्रेशन जो है वो हमें देखने को मिला है और इसके बाद अगर हम स्टॉक में भी देखें तो 10% से भी ज़्यादा गिरावट रिजल्ट के बाद ही हमें देखने को मिली है। तो इन सब स्टॉक्स पे आगे जाके नज़र रखना भी काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एक अच्छा प्रदर्शन जो है कई स्टॉक्स की तरफ से देखने को मिला है और आगे जाके एक मोमेंटम भी जो है आज के दिन में काफ़ी अच्छा रहा इन सब स्टॉक्स में। गौरव ठीक है, गौरव आप हमारे साथ बने रहिए, आप सभी जानेंगे कि कल RBI की जो पॉलिसी आने वाली है। खैर दरों में किसी बदलाव की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फोकस कहां पर होगा ये आपसे समझेंगे, लेकिन उसके पहले NLS फोकस में है। US फेड की पॉलिसी मीट थी 31 तारीख को, इसके बाद हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ जापान की बैठक थी, अब RBI पर नजर रहेगी। हालांकि दरों में कटौती की उम्मीद हम करके चल नहीं रहे हैं, लेकिन कमेंट्री बहुत ही क्रूशियल होगी आगे के ग्रोथ को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं, गौरव बताइए क्या उम्मीदें हैं इस पॉलिसी से? जी हाँ, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की अगर बात करें तो कहीं पे इस बार भी इस कमेटी मीटिंग में से एक्सपेक्टेशन ये है कि 6.5% पे जो अपना रेपो रेट है वो वैसे ही बना रहेगा और इसी के साथ साथ जो RBI का स्टांस है विदड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन का वो भी वैसे ही बना रहेगा। और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हमने GDP ग्रोथ की बात की तो जैसे हमने देखा कि Q4 में GDP ग्रोथ जो है वो 7.8% में था, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। इसके बावजूद RBI ने FY25 के लिए भी जो GDP ग्रोथ का टारगेट है वो बढ़ा के 7.2% किया है। तो कहीं पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कहीं पे भी कंसर्न्स नहीं देखने को मिल रहे, बट अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें जो कि RBI का टारगेट है कि 4% पे लाना है उन्हें, और वहीं पे कहीं पे जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेटेड हमें जाके देखने को मिल रहा है। अगर हम इन्फ्लेशन में भी बात करें तो कहीं पे कोर इन्फ्लेशन जो है वो मल्टी पीरियड लो लेवल्स पे है, बट अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वहाँ पे एक रिस्क देखने को मिल रही है। और इसी के चलते एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इस मीटिंग में भी हमें एक रेट कट्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें रेट कट्स की, तो अगर इस मीटिंग में भी रेट कट्स नहीं देखने मिले तो ये 9th मीटिंग रहेगी कॉन्जिक्यूटिव जहाँ पे बाय मंथली मीटिंग में हमें रेट कट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं RBI की तरफ से। उसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि कहीं पे अगर हम जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात करें या उसके अलावा अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो वो भी एक मेन कंसर्न रहता ही है, क्योंकि अगर हम अर्ली साइंस की बात करें तो ग्रोथ कहीं पे रूरल कंजम्पशन से भी देखने को मिल रहा है, बट वहाँ पे अगर कहीं भी कंसर्न्स देखने को मिले तो रेट कट्स की बातें हो सकती है। बट जैसे हमने देखा कि इन्फ्लेशन की वजह से RBI जो है वो रेट कट्स इस बार में भी इस मीटिंग में भी नहीं करेगा, ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है। बट आगे जाके RBI का कमेंट्री कैसे रहेगा इन्फ्लेशन को लेके और ग्रोथ को लेके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हमारी नज़र भी कमेंट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़रूर बनी रहेगी। बट अगर हम बात करें रेट कट्स की, तो कहीं पे भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस मीटिंग में भी हमें ये जो रेट कट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो रेट कट की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम सुनना ये चाहते हैं कि आगे रेट कट को लेकर RBI संकेत क्या देता है। कल क्रेडिट पॉलिसी